नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। भारत की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, देश की भाषा की बात करेंगे। जी हाँ, काफी सारे जगहों से आपने सुना होगा कि आठवीं सूची में भोजपुरी शामिल हो रही है, होते होते रह गई, या आंदोलन कर रहे हैं छात्र छात्राएं, रोड पर निकल रहे हैं। दिल्ली तक एक लड़का जो है आरा से पहुंच जाता है पैदल ही मार्च करते हुए कि आठवीं सूची में भोजपुरी दायर होनी चाहिए। वो आरा का लड़का दिल्ली तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें आरा भोजपुर बिहार की, बाबू वीरपुर सिंह यूनिवर्सिटी की, तो इसी यूनिवर्सिटी में भोजपुरी को उस तरीके से मान्यता नहीं दी जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के छात्र कह रहे हैं, ये उनकी आवाज कह रही है, क्योंकि उनको वंचित कर दिया जाता है अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी अवार्ड देने से, मेडल देने से। अगर भोजपुरी ऐसी भाषा है जहां विदेशों में बोली जाती है, देशों में बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, वही भोजपुरी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से दरकिनार क्यों की जाती है? ये सवाल और ये जवाब ये आपसे पूछती है आशा एक भारत की टीम, और आपसे जानना चाहती है कि आखिर कब तक भोजपुरी महरूम रहेगी, कब तक भोजपुरी को उस तरीके से सम्मान नहीं मिलेगा जिस तरीके से उसे मिलना चाहिए। चले छात्र से बात कराते हैं, एक छात्र हैं, इनके साथ जो आप बीती हुई है वो उस पर क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं उन्हीं से। हमको समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि भोजपुरी को दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं किया जाएगा, तो मैंने आकर अपने विभागाध्यक्ष से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात मुझे भी पता चली है, आप लोग VC से मिलिए। हम लोग VC के पास गए आवेदन के साथ, तो VC एक लाइन में आवेदन पढ़ के ये बोले कि नहीं आपको मिलेगा। उस पर फिर वहाँ से परीक्षा नियंत्रक को भेजा गया लेटर, वे भी बोले कि मिलेगा, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे अभी उम्मीद है कि जो भी विषय यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उन सभी विषयों का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए और मिल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें कि भोजपुरी को आठवीं सूची की दर्जा करने की बात की जा रही है, भोजपुरी को कहा जा रहा है कि आठवीं सूची में दायर किया जाए, क्या लगता है वो सही है या पहले यहाँ सुधार होना चाहिए? पहले तो विश्वविद्यालय में सुधार होना चाहिए। विश्वविद्यालय में छात्र एडमिशन कराने आते हैं उसी समय या तो बता देना चाहिए कि भोजपुरी में एडमिशन नहीं लो, यहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि तुमको कोई दीक्षांत समारोह हो तो उसमें शामिल किया जाएगा या नहीं, वो सब क्लियर कर देना चाहिए और इसके बाद बताना चाहिए कि लो या ना लो। इसके बाद वो अगर छात्र ले तो उसको उसकी गलती है। हम लोग जब एडमिशन लेने आए थे तो हम लोगों को ये पता नहीं था, बीच में एकाएक कुछ महीनों के लिए, मेरे कागज़ के हिसाब से, मेरे पास पेपर है उसके हिसाब से कुछ महीनों के लिए इसको बंद कर दिया गया मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय को ये पता चला और विश्वविद्यालय की ये जानकारी है, मेरे विभाग को ये जानकारी है कि ये 3-4 साल तक बंद रहा, लेकिन मेरे पास जो पेपर है उसके अनुसार से कुछ महीना बंद रहा। 16/10/2017 की बात है ये। 16/10/2017 में ये लोग मांग किया है राजभवन से। अच्छा, फिर 11/10/2017 तो, नहीं 11/10/2017 को ये लोग मांग किया है राजभवन। अच्छा, से ओके। राजभवन बोला है कि ऑलरेडी अप्रूव्ड बाई 28/8/2015 को अप्रूव कर दिया गया है, इसके बाद आप क्या मांग रहे हैं? इस मेरे विश्वविद्यालय में इस लेटर की भी कोई पता नहीं है कि ये लेटर कहाँ पे है। अच्छा। मुझे एक पूर्ववर्ती छात्र जो छात्र नेता हैं उनके द्वारा ये मुझे ये लेटर प्राप्त हुआ है, मैं इस लेटर को अपना माध्यम बना के और अपना आवेदन लेके सभी जगह भटक रहा हूँ। आश्वासन दिया जा रहा है, आगे क्या हो रहा है इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। अभी शायद कुछ पदाधिकारियों का मीटिंग चल रही है, उसमें क्या निकल के आता है देखा जाएगा। तो चलिए, आप अपना परिचय दे दीजिए। सुशील कुमार सिंह, बरनाव, जगदीशपुर। चलिए, दूसरी तरफ हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ छात्र नेता भी यहाँ पे है, तो इन लोगों से हम जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या था और इन लोगों ने कहाँ किस हद तक मदद की है। क्या लगता है जिस तरीके से भोजपुरी को कहा जाता है कि आठवीं सूची में दायर करें, वहीं दूसरी तरफ महिला की एक स्टोरी, महिला की एक बातें आ रही है कि महिला कह रही है कि हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है जबकि हम इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए। आप लोग के निकट ये मामला आता है तो आप लोग कैसे यूनिवर्सिटी को ये बात तक पहुँचाते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रशासन तक कैसे बात पहुँचाते? देखिए, जहाँ तक भोजपुरी के बात बा, भोजपुरी की अस्मिता खाती बिहार के और खास करके वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के एजा के बड़ भाई लोग और साथी लोग जो छात्र नेता लोग
और समाज के भी कुछ लोग एकरा पर बहुत बड़ा आवाज उठावल आ परिणाम स्वरूप एकरा पर कुछ सकारात्मक परिणाम भी आयला आ निश्चित बाकी ओकर और बढ़िया से ओकर जोन बटे राजभवन के तरफ से भी एकर लेटर अभी आयल नहीं है, राजभवन के तरफ से लेटर आ जाता तो एक पर ई कल जाए। लेकिन सबसे बड़ा बात बाकी भोजपुरी के अगर पढ़ाई रुआ के यहाँ होता कंटिन्यू कुछ साल से तो एकरा में चाहे कौन और दूसर जो होम रुआ गृह विज्ञान के कहनी है तो एक पर सबसे बड़ा बात बाकी छात्र के में का छात्र के तरफ से तो कोनो कमी बाना रुआ पढ़ाव तनी संचालित कर तनी तो छात्र पढ़ावत तो अगर जो दीक्षांत समारोह होता एक में जे भी ऐजा के छात्र बा वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के जो छात्र रहल बा ओकर अधिकार बनता कि दीक्षांत समारोह में वो भाग लेबे। दीक्षांत समारोह में अगर वो अपना विभाग के टॉपर बाड़न तो उनका निश्चित बा कि उनका गोल्ड मेडल मिले के चाहिए। अभी भी छात्र कल्याण पदाधिकारी से बात भी भइल है एकरा पर रुआ शायद सबको के लेके गनिया कुछ जी बात भइल है आ वो बात के दरमियान वहाँ के कहनी है कि आप सभी लोग निश्चिंत रहें और जे भी एकरा में टॉप कैले बटे रुआ सब के अफिलिएशन बा कि नहीं के ओकरा से कोनो मतलब नहीं के सबके मिली तो उम्मीद बा कि एकरा पर मिली। अगर ना मिली आज जे एकरा के छात्र रहल बटे अपने विभाग के अगर ऐजा पढ़ाई संचालित हो रहा बा विषय और अगर ओकरा नहीं के मिलत तो आगे प्रदर्शन हुई अगर बढ़िया तरीका से लोग में उग्र प्रदर्शन हुई तो प्रदर्शन तो पहले चेता देवल चाहत वो लोग के चेता दिया गई बा। देखिए नाम जो विश्वविद्यालय के पड़ल बा वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर पड़ल बा और वहाँ के 80 बरिस के उम्र में जवानी चढ़ रहा है अनु तो हमनी के तभी 20 साल 25 साल 30 साल के जवान छोकड़ा बानी जा तो हमनी के कहे चुप रह जा अधिकार खाती तो जवन कुछ करे कोई करवे करब जा करम जा जी। काफी अच्छा लगल कि रुआ भोजपुरी में बात कनी हम हिंदी से बात स्टार्ट किए थे लेकिन जिस तरीके से जो मामला है भोजपुरी जवन बटे अभी विश्व के बढ़िया बढ़िया देश में बोलल जाता रुआ 19 गो माने देश बा जो में भोजपुरी के बहुत बढ़िया भाषी के संख्या हो जाए बहुत बढ़िया बा बढ़िया भाषा हो जाए के लोग के संख्या जोन बटे बड़ा इंटरेस्ट लेवे ला लोग। देखिए भोजपुरी में जोन भोजपुरी में दुलार बा मिठास बा भोजपुरी में जोन चीज बा हम हिंदी हमनी के मातृभाषा हो लेकिन भोजपुरी हमनी के बिहार खाती एजा खाती मातृभाषा हो हमनी के घर के भाषा हो। जैसे कहूँ आदमी दूर जाला घर के भाषा तो रुआ कहत नहीं जी लेकिन दूसरा तब घर के भाषा आठवीं सूची के बात कही जाता कि दिल्ली तक बात पहुंचाएं जा जी अजय अवार्ड नहीं मिला था भोजपुरी के हम तो रुआ से अभी हम रुआ से कहनी है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के जो मनमानी करे के बाद कर लेवे विश्वविद्यालय प्रशासन अगर सही करी काम तो करा साथे बानी जा लेकिन अगर गलत करी तो करा खिलाफ में जाके हमनी खड़ा हो खब जा और उग्र प्रदर्शन होई हर तरीका से होई या निश्चित बा कि जेकर जेकर अधिकार व अधिकार तक केहू के छीने माने अधिकार के वंचित ना होके बिल्कुल अधिकार के हनन ना होके देब जा। ठीक बा चलिए और एक बानन आलोक रंजन जी तो चलिए हम बात करते हैं इनसे आरजेडी के नेता है और दूसरी तरफ ये आलोक के बारे में हम बता दे रहुआ के आलोक छोट भाई हवन आ भोजपुरी के अस्मिता खाती बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ल बाड़न इसीलिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भोजपुरी खाती ही ना बहुत सारा विषय खाती लड़ाई लड़ल बाड़न और वर्तमान समय में हमरा से अगर पूछल जाऊ तो युवा पीढ़ी खाती या छात्र खाती एक निश्चल एक छात्र नेता है ये छात्रों की आवाज है। हाँ तो इनसे हम आज मुलाकात किए थे आलोक जी से तो सबसे पहले आप ये बताइए कि भोजपुरी की इन्होंने बात की कि आपने भोजपुरी के लिए काफ़ी लड़ाई किया है काफ़ी आठवीं सूची के लिए बात की है लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में ही भोजपुरी को जगह नहीं मिल रही है अवार्ड नहीं मिल रहा है गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा है भोजपुरी यूनिवर्सिटी से ही वंचित रह जा रही है तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं सिर्फ चेहरा चमकाना है या काम भी करना है। देखिए निश्चित रूप से जो अभी मामला आया हुआ था कि जो कन्वोकेशन होने वाला है और उसमें जो हमारे होम साइंस के और जो भोजपुरी के जो छात्र छात्राएं हैं उन लोगों का जो मामला था कि उन लोगों को गोल्ड मेडल से वंचित किया जा रहा है जो टॉपर रहे हैं ये मामला हम लोगों के पास आया था। हम लोगों का एक डेलीगेशन जाके अभी DSW से मिला था अभी तत्काल हम लोगों ने मिला है वहाँ से हम लोगों को ये आश्वासन मिला है कि अभी मेडल कमेटी की बैठक चल रही है उसमें इस बात को रखा गया है। हम लोगों ने जब आवाज़ उठाया है और कई टीवी चैनलों ने और कई अखबारों ने भी इसको प्रमुखता से जगह दिया है
तो इसके बाद यह संज्ञान में आया है मामला और मेडल कमेटी के बैठक में यह मामला भी गया हुआ है और निश्चित रूप से छात्र के पक्ष में यह मामला आएगा कि वैसे लोगों को भी इसमें समझ अगर किया नहीं आया तो क्या करेंगे। देखिए निश्चित रूप से अगर नहीं आता है तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल का एक मैं नेता होने के नाते, बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे जो छात्र और छात्र छात्राएँ जो वंचित रह जाते हैं उनके लिए निश्चित रूप से उस दिन दीक्षांत समारोह के ही अंदर हम लोग जोरदार प्रदर्शन करने का काम करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। अगर घर में अगर जो जो बच्चे जो जो स्टूडेंट यहाँ पर शिक्षा लिए हैं, जो जिनका डिग्री अवार्डेड है, उनको मिलना चाहिए, उनको पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये कहीं से भी ये सवाल नहीं उठना चाहिए था कि ये होम साइंस के बच्चों का एफिलिएशन नहीं है या फिर भोजपुरी के बच्चों का एफिलिएशन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग निश्चित रूप से कन्वोकेशन के डे ही हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। चलिए धन्यवाद आपने। इन्होंने तो खुलकर बात है कि और इन्होंने कह दिया है कि अगर नहीं हुआ इस बार, अगर इन्हें नहीं मिला तो फिर हम चेतावनी दे देते हैं कि दीक्षांत समारोह के दिन खुलकर आवाज़ उठाएंगे और खुलकर बातें करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें भोजपुरी की, तो भोजपुरी की बात सिर्फ भोजपुर में ही नहीं होती है, भोजपुरी की बात देश विदेशों में होती है। तो चलिए अगर इनकी बेवाक राय और भोजपुरी समाज से आते हैं आप लोग, तो जरूर इस खबर को लाइक करिए, शेयर करिए ऑन यूट्यूब, आशा एक भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, तभी तो इन लोगों का जैसा साझा रुझान और पब्लिक रुझान और ऐसे ऐसे स्टोरी को पाइएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।